स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप T20 मैच जो कि खेला जाएगा 4 जून को शाम 8 बजे केनसिंगटन स्टेडियम बारबाडोस वेस्ट इंडीज में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि कैसी रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेंगे वेन्यू रिकॉर्ड्स, कैसा रहेगा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, क्या रहेगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और वीडियो के लास्ट में देखेंगे की प्लेयर जो आज के मैच में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। इस वेन्यू पे अगर आप देखेंगे तो सीमर्स को काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है, नई बॉल से काफ़ी बॉल स्विंग करती है, अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलता है खास तौर से पावर प्ले में। और आप देखेंगे कि बैट्समैन के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहती है इस तरह के वेन्यू पे, तो वही बैट्समैन सक्सेस हो पाते हैं जो थोड़ा सेटल होने में टाइम लेते हैं। और उसके बाद देखेंगे तो आप एक्स्ट्रा पेस देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिलेगी और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पिच की कंडीशन और ख़राब होती चली जाएगी, तो सेकेंड इनिंग में हो सकता है कि चेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए। और स्पिनर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं इस तरह के वेन्यू पे, टीमें टॉस जीत के हो सकता है कि बैटिंग फर्स्ट करना प्रिफर करें। दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे वेन्यू रिपोर्ट्स पे। इस वेन्यू पे टोटल 41 मैच खेले गए हैं जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाले ने 28 और सेकंड बैटिंग करने वाले ने 13 मैच जीते हैं। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आपको दिखेगा 165 के आसपास का। हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों ने आज तक कभी मैच खेले नहीं है T20 के और लास्ट 10 मैचों में देखेंगे तो टोटल 122 विकेट गिरे हैं जिसमें से पेसर्स को 64 और स्पिनर्स को 58 विकेट मिले हैं। दोनों ही इक्वली देखे गए हैं इस वेन्यू पे, लेकिन स्पिनर्स कम सपोर्ट मिलता है। ये लास्ट के 10 मैचों में स्पिनर्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिला है। दोस्तों इस वेन्यू पे खेले गए मैचेस के रिकॉर्ड देख सकते हैं। एक इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैच था जिसमें से इंग्लैंड 171 पे ऑल आउट हो गई थी और वेस्टइंडीज 172 बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पे और 4 विकेट से मैच आसानी से जीत गई थी। दोस्तों दूसरा मैच देखते हैं, SKNP के बीच हुआ था और BR के बीच हुआ था जिसमें से 220 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे और BR 223 बनाई थी 2 विकेट के नुकसान पे और 8 विकेट से BR ये मैच जीत गई थी। हाई स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं और यहाँ पे एक एवरेज स्कोर मैच भी होते हैं और जिस हिसाब से दोनों टीमें हैं उस हिसाब से इंग्लैंड थोड़ी सी मोस्ट फेवरेबल टीम रहेगी। अगर फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड की बैटिंग आती है तो काफ़ी हाई स्कोर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की तरफ से। स्कॉटलैंड की तरफ देखेंगे तो ओलिवर हेयर्स और जॉर्ज मुंशे ओपनिंग करते देख सकते हैं, उसके बाद माइकल जोन्स, आर बेरिंगटन, मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वॉट, क्रिस सोल, सैफियान शरीफ और ब्रैडली क्यूरी, ये रहनी चाहिए एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 स्कॉटलैंड की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ पीस ऑल्ट, जॉस बटलर, विल जैक्स, जॉनी बेरिस्टो, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लैम्प लिविंगस्टन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और रीस टोपले, ये रहनी चाहिए इंग्लैंड की तरफ से एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। दोस्तों बढ़ते हैं प्लेयर रिकॉर्ड्स की तरफ। इंग्लैंड की तरफ जॉस बटलर देखेंगे तो इस वेन्यू पे एक मैच खेला है, 39 रन बनाए हैं। रीसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 39, 84 और 11। दोस्तों जॉस बटलर इस वेन्यू पे एक मैच खेला है, ठीक ठाक परफॉर्म किया है। रीसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो IPL के बाद ओवरऑल देखेंगे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, काफ़ी क्वालिटी बैट्समैन है। अगर एक बार सेट हो गए तो T20 में देखा गया है कि काफ़ी लास्ट तक खेलते हैं और विकेट कीपिंग सेक्शन से भी पॉइंट देके जाएंगे, मस्ट पिक रहेंगे, एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन भी रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्प मिलेगी। एज अ कैप्टन अच्छा खेलने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलिस वॉल्ट की बात करते हैं तो वेन्यू पे 4 मैच 100 रन बनाए हैं और 25 का एवरेज रहा है। रीसेंट परफॉर्मेंस 45, 13 और 38। फिलिप सॉल्ट स्कॉटलैंड के खिलाफ हो सकता है थोड़ा जैसा इफेक्टिव रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको। IPL की बात अलग थी, बैटिंग फ्रेंडली पिच पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ले रहे थे, लेकिन इस तरह की पिचेस पे आप देखेंगे तो फिलिप सॉल्ट को थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। स्कॉटलैंड की तरफ देखेंगे मैथ्यू क्रॉस, और हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं है स्कॉटलैंड के, तो आप इनके स्टैट्स देख सकते हैं। 42 मैचों में अब तक 662 रन बनाए हैं 22.8 के एवरेज से और रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 35, 14, 49। जिस बैटिंग पोजीशन पे ये खेलने आएंगे, चौथे या पांचवे नंबर पे, उस बैटिंग पोजीशन के हिसाब से T20 में काफ़ी ठीक ठाक रन है, तो एक अच्छी पिक साबित हो सकते हैं। कैरियर टीयर की बात करते हैं, काफ़ी नए हैं, अभी तक सिर्फ 4 मैच खेले हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है और एवरेज भी उतना कोई खास नहीं है, इजिली ड्रॉप कर सकते हैं और हो सकता है टीम में जगह भी ना मिले। विकेट कीपर सेक्शन में जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट में किसी एक के साथ जा सकते हैं, बाकी मैथ्यू क्रॉस को चाहें तो अपनी टीम में प्रिफर कर सकते हैं।
इंग्लैंड बैटिंग सेक्शन में बात करते हैं जॉनी बेरिस्टो। हेड टू हेड और वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। जॉनी बेरिस्टो का फर्स्ट डाउन खेलने के लिए आएंगे, उस पोजीशन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। और जिस हिसाब से जॉनी बेरिस्टो के बारे में बताएं, तो अगर ये जब जब ओपनिंग करने आए हैं काफ़ी तेज खेलना प्रेफर करते हैं, और आप देखेंगे कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जॉनी बेरिस्टो को, सेकेंड इनिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद देखेंगे तो 28, 21 और 73 रन अभी बना चुके हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कभी भी बैड सिचुएशन भी पड़ती है तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मस्ट पिक रहेंगे। विल जैक्स अगर देखेंगे तो इस वेन्यू पे एक मैच खेला है, 17 रन बनाए हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो उतनी कोई खास नहीं है, 20-37-7 है। विल जैक्स की बात करें तो ये भी काफ़ी बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, और कभी कभी टीम इनसे बॉलिंग भी करवा सकती है, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। तो अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो इनकी पोजीशन चौथी रहेगी, जो फोर्थ पोजीशन पे खेलने के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बैटिंग आने के चांसेस भी रहेंगे और हाई स्कोर बनाने के काफ़ी चांस बनते हैं, और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। और हालांकि परफॉर्मेंस उतने भी कोई खास नहीं है, लेकिन ये कभी भी आप देखेंगे तो एक अच्छा स्कोर करा करके अपनी टीम को दे सकते हैं। हैरी ब्रुक ना रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी है ना वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, इजीली आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बेन डकेट की बात करते हैं तो टीम में जगह मिलने के चांसेस काफ़ी कम है, और रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो उतनी कोई खास नहीं है, बैटिंग पोजीशन पर कहीं पर फिट नहीं बनते हैं, और इनको भी आप इजीली ड्रॉप कर सकते हैं। हैरी ब्रुक और बेन डकेट में अगर आप देखेंगे तो बेन डकेट बेंच प्लेयर रहेंगे। हैरी ब्रुक की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होने की वजह से और कम बॉलें खेलने की वजह से मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मैचेस में इनकी बैटिंग आएगी और उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इंग्लैंड बैटिंग सेक्शन में जॉनी बेरिस्टो और विल जैक्स दो बहुत अच्छी चॉइस रहेंगी। स्कॉटलैंड की तरफ देते हैं जॉर्ज मुंशे। स्टैट देखेंगे तो अब तक ओवरऑल टी20 में 45 मैच खेल चुके हैं, जिसमें से 1509 रन बनाए हैं, 35 का एवरेज है। रीसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक बड़ा नॉक खेल के आ रहे हैं, 72 रन का, हो सकता है आज के मैच में अच्छा परफॉर्म कर जाए। स्कॉटलैंड की टीम में देखेंगे तो दो ही तीन प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, उनमें से एक जॉर्ज मुंशे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। उसके बाद ब्रिंटन एज द कैप्टन परफॉर्म करेंगे, 45 मैचों में 1301 रन बनाए हैं 39 के एवरेज से। रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो उतनी खास नहीं है, पर एज द कैप्टन कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, सेकंड डाउन खेलने के चांसेस इनके ज़्यादा हैं। मैक मुलर की बात करते हैं तो 9 मैचों में 223 रन है, 27.8 का एवरेज है। रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक बड़ा नॉक आया है। मैक मुलन की बात करें तो ये रेगुलर मैचेस में परफॉर्म नहीं करते हैं, इक्का दुक्का मैचेस में बड़े रन बना के जाते हैं, ओवरऑल ये स्ट्रगल करते ही देखे गए हैं। ओलिवर हेयर की बात करें तो हो सकता है ओपनिंग आएंगे और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस भी आउट ऑफ फॉर्म है। और स्टैट्स देखेंगे तो 22 मैचों में 389 रन है, 20.4 का एवरेज है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। माइकल जोन्स की बात करते हैं, अब तक 6 मैच में 134 रन बनाए हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक बड़ा नॉक आया है 86 रन का, ओवरऑल देखेंगे तो एक एवरेज प्लेयर है, कभी भी अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। स्कॉटलैंड बैटिंग सेक्शन में देखेंगे तो जॉर्ज मुंशे, बिरिंगटन और माइकल जोन्स, किन्हीं भी दो प्लेयर को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। इंग्लैंड ऑलराउंडर सेक्शन में देखेंगे मोइन अली, इसी वेन्यू पे 5 मैचों में 5 विकेट भी लिया है, और बैटिंग से देखेंगे तो 0-4-23। बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होने की वजह से हो सकता है कि बैटिंग पे उतनी अच्छी परफॉर्म ना कर पाएँ, लेकिन विकेट देखते हैं, अगर इस वेन्यू पे अगर इनको ओवर मिलता है तो एक्सपीरियंस है, और अब तक रिसेंट परफॉर्मेंस में 1-2-0 विकेट निकाल के आ चुके हैं, ठीक ठाक पिक रहेंगे। सैम करन इसी वेन्यू पे एक मैच खेला है, 13 रन बनाए हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 4 मैचों में 150 मार चुके हैं, और हर मैच में कोई ना कोई विकेट जरूर निकाल के दिया है, टीम में जगह मिलती है तो मस्ट पिक रहेंगे। लिविंगस्टन की बात करते हैं तो बैटिंग से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बॉलिंग से उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे, और वेन्यू पे देखेंगे तो 4 मैच 4 विकेट हैं। अगर शुरुआत में विकेट गिरते हैं तो हो सकता है लिविंगस्टन, सैम करन ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और मैच को आगे ले जाएं, अदरवाइज देखते हैं तो इनके बैटिंग करने की नौबत आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो इंग्लैंड ऑलराउंडर सेक्शन में देखेंगे तो मोइन अली या लिविंगस्टन में किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं, अगर सैम करन को टीम में जगह मिलती है तो मस्ट पिक रहेंगे। स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर सेक्शन में देखेंगे कि मिकल लीस अब तक 42 मैच खेल चुके हैं, 28 विकेट निकाल चुके हैं, बैटिंग से देखेंगे तो ठीक ठाक कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, हालांकि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, और विकेट भी कभी कभार इनको जरूर मिल जाते हैं। ओवरऑल देखेंगे तो स्कॉटलैंड की तरफ से बहुत ही लिमिटेड प्लेयर हैं जिनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनमें से देखेंगे तो एक प्लेयर है। क्रिस ग्रीव्स की बात करते हैं तो बॉलिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, स्टैट देखेंगे तो 25 मैचों में 16 विकेट निकाले हैं, बैटिंग से उतना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है अब तक इनका। जैक जार्विस की बात करते हैं तो स्टैट में देखेंगे तो 3 मैचों में 7 विकेट लिए हैं,
बैटिंग भी देखेंगे तो इन दोनों के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और बॉलिंग से भी देखेंगे तो बंडस में विकेट लेते रहते हुए दिखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्कॉटलैंड की तरफ से इनके वैसे खेलने के चांसेस कम है, लेकिन अगर इनको टीम में जगह मिलती है तो मस्ट पिक रहेंगे। बाकी माइकल लीस और क्रिस ब्रिस में किसी एक को पिक करके चल सकते हैं अपनी टीम में। इंग्लैंड बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे आदिल राशिद, वेन्यू पे 6 मैच 9 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस बंडल्स में विकेट निकालते हुए दिखे हुए हैं, 2-1 2-1 कभी भी इंपॉर्टेंट विकेट निकाल के दे सकते हैं, और आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे और काफी स्कॉटलैंड के प्लेयर को परेशान करते दिखेंगे, और मेरे बात माने तो ये आज के मैच में वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। जोफ्रा आर्चर, हालांकि इनको वेन्यू और हेड टू हेड पे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें इनकी तो रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी लाजवाब रही है, काफ़ी लंबे समय के बाद इनको खेलने का मौका मिल रहा है, और आईपीएल में भी इनको देखा नहीं गया था, काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, काफ़ी स्पीड से बॉलिंग कराते हैं, अच्छी खासी बाउंस देखने को मिल सकती है, और यॉर्कर भी बहुत अच्छी कराते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मस्ट पिक रहेंगे। मार्क वुड बंडल्स में विकेट ले जाते हुए दिखे हैं, इनको भी हेड टू हेड वेन्यू पे कोई विकेट नहीं मिला है, फास्ट बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग कराते हैं और अच्छा खासा बाउंस आज के विकेट पे देखने को मिल सकता है मार्क वुड की तरफ से। क्रिस जॉर्डन देखेंगे तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, मीडियम पेस बॉलर हैं, तो एक्सपीरियंस इनका कभी भी काम आ सकता है। हालांकि विकेट टेकिंग बॉलिंग की कंडीशन में, बॉलर की कंडीशन में नहीं लग रहे हैं आज के मैच में, फिर भी देखेंगे तो एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। रीस टोबले इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, इसी वेन्यू पे 4 मैच में 4 विकेट लिया है, और रिसेंटली देखेंगे तो बंडल्स में विकेट ले जाते हुए दिखे हैं, और रीस टोबले देखेंगे तो इनके पिक करने के परसेंटेज काफ़ी कम है, उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होंगे और ग्रैंड लीग के लिए अच्छे प्लेयर रहेंगे। इंग्लैंड बॉलिंग सेक्शन में अगर आप बात देखें तो आदिल राशिद मस्ट पिक रहेंगे, जोफ्रा आर्चर मस्ट पिक रहेंगे, आप मार्क वुड और रीस टोपले में किन्हीं एक को ले सकते हैं, और आप चाहें तो क्रिस जॉर्डन को भी अपनी टीम में यूज कर सकते हैं। टोटल इंग्लैंड के 3 प्लेयर पिक करने काफी जरूर आज के मैच में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड का बॉलिंग ऑर्डर काफी स्ट्रांग है इन कंपेरिजन टू स्कॉटलैंड, तो अगर आप देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 प्लेयर जरूर पिक करके चलने हैं, और अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो 4 प्लेयर कंफर्म पिक करने हैं, अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो जाहिर सी बात है 3 प्लेयर तो मिनिमम लेके चलने ही हैं। स्कॉटलैंड बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो सैफियन शरीफ 37 मैचों में 39 विकेट निकाल चुके हैं अपने T20 करियर में, और हालांकि अभी रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो विकेट लेस रहे हैं, लेकिन एक खास बात है कि डेथ ओवर में बॉलिंग कराने आएंगे। मार्क वॉट की बात करते हैं तो 41 मैचों में 53 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे वेन्यू पे 4 मैच 5 विकेट है, और देखेंगे तो रिसेंट परफॉर्मेंस 4-1-3 वेन्यू पे भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, और अगर आप देखेंगे तो रिसेंट परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, इनको स्टार पिक करिए, मस्ट पिक रहेंगे आज के मैच में। ब्रैडली क्यूरी की बात करते हैं तो रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2-1-3 ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं, और स्टार भी देखेंगे अब तक 11 मैचों में 19 विकेट निकाल चुके हैं। ब्रैडविल की बात करते हैं तो स्टैट्स देखेंगे तो 12 मैचों में 14 विकेट निकाल चुके हैं अब तक T20 में, और रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं। क्रिस ओले की बात करते हैं तो ये भी बंडल्स में विकेट निकालते हुए देखे गए हैं, और स्टैट्स देखेंगे तो 10 मैचों में 13 विकेट निकाल चुके हैं। ब्रैडविल की बात करते हैं तो ये काफ़ी महंगे साबित होते हुए भी देखे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चाहें तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। स्कॉटलैंड बॉलिंग सेक्शन में आप देखेंगे तो मार्क वॉट और क्रिस ओले 2-1 इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, आप चाहें तो इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। दोस्तों अब स्कॉटलैंड इंग्लैंड की टीम में देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर कितने ओवर डालेंगे, तो सैफियन शरीफ, क्रिस सोले, ब्रैडली क्यूरी, मार्क वॉट, ये 4-4 ओवर कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग ओवर आप लीस और ग्रीस में देख सकते हैं। डेथ ओवर में सैफियन शरीफ और क्रिस सोले के कराने की काफ़ी उम्मीदें हैं। इंग्लैंड की तरफ देखेंगे तो मोइन अली, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, रीस टोपले 4-4 ओवर कंप्लीट करेंगे, और बाकी अब रिमेनिंग ओवर की बात करते हैं तो विल जैक्स और लिविंगस्टन में डिवाइड हो सकता है, और डेथ ओवर देखेंगे तो क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर, रीस टोपले में कराने की उम्मीद है। दोस्तों अब बढ़ते हैं की प्लेयर की तरफ। स्कॉटलैंड की तरफ देखेंगे तो जॉर्ज मुंचे, आर्विंगटन, लीज ग्रीव, मार्क वॉट, क्रिस सोल्स और ब्रैडली क्यूरी ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, जिसमें से आप देखेंगे क्रिस सोल, मार्क वॉट, मुंशे, बी आप देखेंगे तो बिरिंगटन और लिस्ट और ग्रीव में कोई एक, ये टोटल 5 प्लेयर हैं जिनके परफॉर्मेंस करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इंग्लैंड की तरफ देखेंगे तो फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर, विल जैक, जॉनी बैरिस्टर, ये 4 इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और रीस टोपले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे जो आज के मैच में परफॉर्म कर सकते हैं।
दोस्तों डेमो टीम की तरफ बढ़ते हैं। पहली टीम में मैंने जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट, दूसरी टीम में भी जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट को ही लिया है। बैटिंग सेक्शन देखेंगे तो जॉनी बेरिस्टो, विल जॉस, मुंशी, बरिंगटन को रखा है। सेम मैंने यहाँ पे भी लिया है, आप देखेंगे तो मैंने लीस को भी दोनों पे लिया है। मैंने बॉलिंग सेक्शन में थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें से आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, मैंने मार्क वॉट को रखा है और आर्ट ओकले को रखा है। और उसके बाद देखेंगे तो मैंने इंग्लैंड के सारे फास्ट बॉलर और एक आदिल रशीद को पिक किया है। मैंने क्रिस जॉर्डन को नहीं पिक किया है, इसलिए कि इंग्लैंड एक फेवरेट टीम रहेगी, चाहे फर्स्ट बैटिंग आए, फर्स्ट बॉलिंग आए, अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में। अगर इंग्लैंड की तरफ अगर आप बात करें तो बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और रीस पोकले तीनों के बहुत अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं। और आज के मैच में देखेंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफ चॉइस रहेगी अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है उस कंडीशन में, और अगर इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो आप जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो या विल जैक्स से उम्मीद कर सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगी या आपको फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले मैच में।